अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं सच की आवाज NPS न्यूज़। आदाब। कल बहादुरपुरा पुलिस ने एक शख्सियत को पकड़ा था, वो पाकिस्तानी नेशनल फयाज बोल के बंदा था। हमारा इंफॉर्मेशन पे उनको पास उनका रेड किया था, तो उनसे पूछताछ किया तो वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे इंडिया पे रह रहा था। ना वो उनका पास वीज़ा था, ना उनका पासपोर्ट भी, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो भी एक्सपायर हो चुका था। ने पूछताछ किया तो पता चला है बंदा जो 2018 से जो पाकिस्तानी नेशनल स्वात रीजन गए थे, वो 18 से शारजा पे काम कर रहा था। 2019 पे नेहा फातिमा बोल के एक लेडी जो यहाँ का है उनसे रिलेशनशिप पे था और शादी किया था और एक बच्चा भी हुआ। और जैसे लड़की अपने वापस आ गया, लड़की से मिलने के लिए और बच्चे को देखने के लिए ये भी इंडिया आने की कोशिश किया था। उसके लिए उनका सास ससुर का हेल्प लेके थ्रू काठमांडू, दुबई से काठमांडू, काठमांडू से फ्लाइट आया था, काठमांडू से बाय लैंड बॉर्डर इंडिया पे एंटर हुआ और वहाँ से ट्रेन लेके हैदराबाद आया था। इस एंटर उसके पास जो हम लोग बरामद किया था इस्लाम का पासपोर्ट जो एक्सपायर हो गया उसका, वो पासपोर्ट, पाकिस्तान नेशनल आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट फ्लाइट टिकट्स और बोर्डिंग पास जिससे वो दुबई से काठमांडू आया। उसके बाद जो होटल पर रुका था नेपाल में उसका भी ओयो बुकिंग और रेलवे टिकट्स जिससे वो या काठमांडू माने इंडिया में ट्रैवल किया हैदराबाद पहुंचने के लिए, सारे हम लोग रिकवर किया था। ये पूरा ऑपरेशन जो है, एडिशनल डीसीपी साउथ जोन जाएंगे।